और हारिस क्या चल रहा है जिंदगी में? यार एक बहुत खुशी की खबर है, तुम लोगों को पता है मेरी नौकरी लग गई है। हैं? हाँ हाँ, पहले मैं कुकिंग करता था शौक के लिए, अब वही मेरा प्रोफेशन होगा। कहाँ लगी? यार एक रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट है, कल से ज्वाइन करना है इंशाल्लाह, पहला दिन होगा कल। तो अपनी अब इंजीनियरिंग डिग्री के साथ क्या करोगे? यार वो तो वैसे भी अब्बू के लिए थी ना, यार वैसे काफी गर्मी नहीं हो रही, पसीना रुक रहा ही नहीं है। खैरियत तो है, एसी चल रहा है हारिस? लगता है खराब हो गया है, माया अली का एड देख के ले लिया था, स्पेक्स देखे ही नहीं मैंने। एक काम कर, तू अपना ये फर कोट उतार दे। कोट? अबे फुटबॉल की जर्सी है पागल। अरे मैं तुम्हारी भालू जैसे बाल के बारे में बात कर रहा हूँ। यार ये तुझे नहीं समझ आएगी, ये मर्दों की खूबसूरती होती है, तेरी तरह थोड़ी चिकना। ऐसी कौन सी खूबसूरती है जिसको देख के उल्टी आ जाए? तू नहीं समझेगा, इससे ना बंदा माचो मैन दिखता है, लड़कियां मरती हैं इस पे। जी नहीं बेटा, आजकल की लड़कियों को तो वो लड़के पसंद है जो अपनी हाइजीन का ख्याल रखे, थोड़ा प्रेजेंटेबल तो लगे। यार ठीक है, तुम्हें नहीं पता, मैं बता रहा हूँ सही है। खैर तुम लोग आना जरूर मेरे रेस्टोरेंट जब मैं कल से ज्वाइन कर लूंगा ना। हाँ हाँ इंशाल्लाह हम लोग चक्कर लगाएंगे। मैं इसी का कुछ करता हूँ। वाह वाह वाह, आपके मैनेजर किधर है? क्यों मैम? आपको ये नजर आ रहा है? ये इस खाने में से निकला है, आप प्लीज अपने मैनेजर को बुलाएं। यस मैम। ये खाना है या मजाक है? मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ, मैं हमेशा ये डिश ऑर्डर करती हूँ, कभी ऐसे नहीं हुई, बनाते हुए नजर नहीं आया ये बाल इतना बड़ा? मैम आई एम सॉरी, मैं इसको चेंज करवा देता हूँ मैम। एक सेकेंड, मैं पहले इसकी तस्वीर लूंगी और सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, ठीक है? और जो गिने चुने दो चार कस्टमर आते ना वो भी नहीं आएंगे जब ये पिक्चर वायरल होगी। प्लीज प्लीज मैम, प्लीज मैम, ऐसा ना करें। अब आप लेके जाए और खुद खा लें इसको। शेफ को तो मैं, भाई साहब आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई, तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों की रजामंदी भी मालूम हो जाए ताकि मेरी ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएं। जी जी क्यों नहीं, मेरे ख्याल में दोनों शकी बच्चे हैं, बस जिसमें हम बड़ों की खुशी उसी में इनकी भी खुशी, और बाकी हारिस बेटे में कोई कमी थोड़ी है, हैं? क्यों रिदा, तुम हारिस का फिर रिश्ता हम लोग कबूल करें? अब्बू आप दो मिनट में बात सुनेंगे प्लीज। मेरा ख्याल है कुछ बात करनी है। हाँ बेटी शर्मा रही है। हाँ मैं आता हूँ प्लीज, थैंक यू। अबू आपको वही किंग कॉन्ग मिला था मेरे लिए, उससे बेहतर तो वो जमीर था यूनिवर्सिटी का। जमीर? अरे कैसी बातें कर रही हो, तुमने फिल्म में देखा नहीं है किंग कॉन्ग के पास ही तो खूबसूरत लड़की होती है। मेरा मतलब है बेटा तुम लोग शादी के बाद जाओगे मरी शरी घूमने ठंडी जगह पे, खर्चा बचेगा, उसके पास पर्सनल स्वेटर है, इससे कुछ नहीं होता बेटा, छोड़ो। अबू क्या बोल रहे हैं आप, जो बंदा अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखता वो मेरा ख्याल क्या रखेगा, आप मना करें उन्हें। अरे भाई कैसे मना करता हूँ, कोई माकूल वजह भी तो हो, क्या बोलूँ, लड़का बहुत हेरी है, वो समझेंगे कि मैं सांस कमतरी का शिकार हो रहा हूँ। आप थोड़ा टाइम ले लें और बोल देगा कि इस्तखारा में नहीं आया था, कुछ भी कर दें बस इसको मना कर दें प्लीज। अच्छा आहिस्ता बोलो, लोग सुन रहे होंगे, मैं कैसे कोई बहाना बनाऊंगा। देख अबू बोला था ना ये रिश्ता भी रिजेक्ट हो जाएगा। और हारिस कैसा है? छोड़ यार मुझे किसी से मिलने का मूड नहीं हो रहा। क्या हुआ भाई? बस यार नो वन लाइक्स मी, पता है? ये किसने कह दिया हारिस? मैंने तुम्हें पहले भी समझा है, लोगों को तुमसे मसला नहीं है, तुम्हारे बॉडी हेयर से मसला है, जैसे लोगों को मुंह के बदबू से या अनट्रिम फिंगरनेल से मसला है। और तुम्हें माचो मैन बनना था ना, तो माचो मैन बनने के लिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पर्सनल हाइजीन। वो कैसे? मेरे पास एक चीज है, लकली आज ही मैं ग्रोसरी करने गया था तो मेरी गाड़ी में रखा हुआ है, वरना टीवी एड्स की तरह बंदा जेब से निकलता है तो बहुत फेक लगता है ना। हाँ ये सही कहा, गाड़ी में जाके देखेंगे तो नेचुरल लगेगा। चलो ये है वीट मैन, ये स्पैचुला है और ये क्रीम है, तो जाके इस्तेमाल करो, और हाँ फिर उसके बाद रिंस करना पानी से। ये ले। वैसे ये एक काफी होगा? ये है वीट मैन, इसको अपने स्किन पे अप्लाई करें,
स्पैचुला से स्प्रेड करें और फिर 3 मिनट वेट करें। तीन मिनट वेट करने के बाद सारा अनवांटेड हेयर रिमूव करें स्पैचुला के जरिए। आज हारिस को नहीं आना था, कहाँ रह गया? हाँ, लो आ गया। यार गाइस कैसे हो तुम लोग? अरे हारिस तुम काफी डिफरेंट लग रहे हो। हाँ, लुकिंग गुड ब्रो। थैंक यू यार। और पता है क्या, ऐसा फील हो रहा है जैसे बॉडी पे से एक बोझ खत्म हो गया है। बोझ नहीं उतरा है, ये जो फर कोट तुम पहने थे ना पिछले 3 साल से वो उतरा है। खैर कराची का मौसम भी काफी मुनासिब है आज वैसे। ऐसा मौसम हारिस काफी दिनों से चल रहा है। तुम्हें अभी फील हुआ है? ओ एक न्यूज। क्या? कल मुझे किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। किसकी? वो नहीं थी जिससे मेरा रिश्ता होने वाला था। अरे यू मीन जिसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? अरे वही जिसके अब गंजे थे। लगता है वीट सर पे लगा के आ गए थे। हाँ हाँ वही वही। और पता है मैंने क्या किया? क्या? डिलीट।